भाजियों में हजारी बाग ने मोदी सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत झंडा चौक में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया एवं कार्यक्रम से पूर्व अटल भवन के समक्ष भाजियों द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। वहीं सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। इन 4 वर्षों के दौरान विभिन्न मोर्चों पर सरकार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन परेशानियों को दूर कर मोदी सरकार ने जीत हासिल की। फिर चाहे वह डोकलाम का मुद्दा रहा हो या फिर सीमा पर पाक की कार्रवाई का या फिर देश में नक्सलवाद, हर मुद्दे पर सरकार ने अपने आप को बखूबी पेश किया। वहीं हजारीबाग सांसद व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि यूपीए की सरकार में रिपोर्ट कार्ड तैयार नहीं किया जाता था, लेकिन आज एनडीए की सरकार जो हर एक साल रिपोर्ट कार्ड तैयार कर प्रदर्शित करती है कि एनडीए सरकार ने कितने काम किए और क्या काम की गई है। हर मोर्चे पर पारदर्शी रहते हुए नगर निगम की महापौर रोशनी तिर्की, भाजपा जिला अध्यक्ष टुन्नू गोप, भाजयुमो जिला अध्यक्ष सर्वेंद्र मिश्रा सहित अन्य दर्जनों गण्यमान्य लोग और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। न्यूजलैंड के लिए हजारीबाग से रोहन की रिपोर्ट। अच्छी तरीके से करते आपके सामने सब कुछ नजर आता है, जो भी कुछ हुआ वो जनता के सामने है, आईना हम साफ आपके सामने रखते हैं, आपको पता चलता है काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको किसी को याद होगा कि यूपीए सरकार के दौरान हर साल रिपोर्ट कार्ड निकलता था, किसी का निकलता था? नहीं निकलता था। क्यों नहीं निकलता था? पारदर्शी तरीके से अपने जो काम थे उनके बारे में उस सरकार का कोई बोलने को तैयार नहीं था। पहले तो काम भी नहीं हुआ, लेकिन पारदर्शिता भी उसमें नहीं थी, क्योंकि वो जनता के सामने ये सब आंकड़े ये सब बातें रखने को तैयार नहीं थे। छुप छुप के अपनी दुकान चलाते थे, लेकिन जनता के सामने अपने काम के बारे में वो विवरण नहीं कर सकते थे। हमारी सरकार हर साल, मैं खुद स्वयं और माननीय विधायक जी और अभी रोशनी जी और महापौर उप महापौर दोनों जरूर ये करेंगे, हम लोग हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड निकालते हैं। विधायक जी का जो रिपोर्ट कार्ड आपने दिखाई, मेरा भी अभी 4 साल का रिपोर्ट कार्ड दिखने वाला है, आप लोग थक जाएंगे। उसी उद्देश्य के साथ आज जो रैली की गई, मोटरसाइकिल रैली, और यहाँ पर जो नुक्कड़ सभा हम लोग कर रहे हैं। भाइयों, आपको पता है कि आज से 4 साल पहले देश की क्या स्थिति थी और इन 4 सालों में क्या परिवर्तन आया। घर घर शौचालय, हर गरीब का एक बैंक अकाउंट, 2022 तक सभी बेघरों को घर, उज्ज्वला के माध्यम से अभी तक 3 से 4 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन से जोड़ा गया है। लक्ष्य है कि आगे आने वाले 2-3 सालों में 100% लोग नेचुरल गैस के। 2018 मोदी जी का जो सबसे बड़ा मिशन है कि यहाँ पे 50 करोड़ लोगों को, 50 करोड़ जो भारत के निवासी हैं उनको व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस से जोड़ा जाए और प्रति परिवार 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए, ताकि आप जो भी गरीब मजबूर जो अस्पताल किस घर से नहीं जाते हैं कि पता नहीं अस्पताल जाएंगे तो कौन सा बीमारी निकल जाएगा और फिर उसके लिए हम खर्चा कहाँ से लाएंगे। आप परिकल्पना कीजिए कि किसी घर में अगर कमाने वाले व्यक्ति का मौत हो जाता है तो उस परिवार पर क्या आफत आती होगी और वो परिवार कैसे अपना गुजर बसर करता होगा। मोदी जी ने इस बात को अच्छे से एहसास किया और अक्टूबर 2018 से भारतवर्ष के 50 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस पर सूची बनाने का काम जो है वो चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि झारखंड के अधिकांश लोग इस पर लाभित होंगे। अनेक योजनाएं हैं, गिनाने के लिए बहुत लंबी लिस्ट है जिसको हम लोग बता सकते हैं, लेकिन मैं कम शब्दों में, चूँकि धूप का प्रहार आपके चेहरों पर बहुत सार करता दिख रहा है, मैं केवल इतना ही बताना चाहूँगा कि इन 4 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, इस काम का तुलना अगर हम लोग भारतवर्ष में पहले के सरकारों का जिन्होंने 60 साल तक शासन किया अगर उससे तुलना करें तो हम लोग काफ़ी आगे रहेंगे। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार हम लोग पिछली बार लगे थे और सब लोगों ने लग करके
भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिलाई दिया और आज उस बहुमत का मान माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। तो हम लोग इस बार भी पूरी तन्मयता से लगे, जन जन में ये मैसेज दे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की सरकार ने और इस राज्य की सरकार ने इन चार सालों में क्या किया है। आज हजारीबाग शहर का जो आप एक परिवर्तित रूप आज देख रहे हैं, जहाँ की एक साथ हजारीबाग की जितनी प्रमुख सड़कें हैं आज बनी हुई हैं हाई क्वालिटी पेविंग के द्वारा। हजारीबाग में अधिकांश सड़कों पे पेवर ब्लॉक का निर्माण हो रहा है। बार्गेन बाजार के पीछे रामगढ़ कैंट, रामगढ़। बुकिंग के लिए संपर्क करें 9431957975, 9386403891। न्यूज़लैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है